हेलो व्यूअर्स, तुम लोग देख रहे हो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वा चैनल, अपना भाइयों का चैनल। व्यूअर्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेसिकली देने का मकसद ये था कि हमारा एक सब्सक्राइबर है जिसने कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस पर कमेंट किया, जिसका नाम है जीशान शानी, और इसी बंदे की वजह से मैं ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का कलेक्शन बता रहा हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट की। तो ये मूवी 10 मई को रिलीज़ की गई थी इंडिया और वर्ल्ड वाइड के अंदर। जबकि अगर बात कर ली जाए व्यूअर्स इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 75 करोड़ का था। जबकि अगर बात कर लीजिए इस मूवी के कलेक्शन की, तो इस मूवी का डे 15 का कलेक्शन, यानी कि रिलीज से लेकर डे 15 तक का अब तक का टोटल कलेक्शन इंडिया के अंदर 65 करोड़ का हो चुका है, जबकि ओवरसीज़ के अंदर 30 करोड़ का हो चुका है। व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इस मूवी के टोटल कलेक्शन की, तो रिलीज़ से लेकर अब तक के यानी डे 15 तक का इस मूवी का टोटल कलेक्शन 95 करोड़ तक का हो चुका है, जिसको देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इस मूवी के गाने की, तो क्या गाना है यार, मैं आपको गाके भी सुनाता हूँ, वीडियो मत छोड़ के जाइएगा प्लीज़। ले 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 नंबर मेरा, बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लक्की मुँह से हुकअप तू कर लेना। व्यूअर्स, उम्मीद है आप वीडियो तो नहीं छोड़ गए होंगे। व्यूअर्स, चले शुरू करते दूसरी वीडियो, दूसरी यानी दूसरी बात करते दूसरी मूवी के रिव्यू के बारे में। तो व्यूअर्स, दे दे प्यार दे इस मूवी का रिलीज डेट लगभग 17 मई का है। जबकि अगर बात कर ली इस मूवी की कास्ट की, तो इस मूवी की कास्ट में शामिल है टाइगर श्रॉफ और कौन है यार, और कौन थी, हाँ, रकुलप्रीत सिंह और तब्बू शामिल हैं। व्यूअर्स, बात कर लीजिए इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 75 करोड़ का है। जबकि बात कर लीजिए अगर इस मूवी के कलेक्शन की, तो डे 11 का कलेक्शन इस मूवी का लगभग इंडिया के अंदर 3 करोड़ का हुआ, जबकि ओवरसीज से इस मूवी को 2 करोड़ मिले हैं। व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इसके टोटल कलेक्शन की, तो रिलीज से लेकर अब तक इस मूवी का टोटल कलेक्शन 100 करोड़ का हो चुका है, जिसको देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने वाली है। व्यूअर्स, इसके बाद बात कर लेते हैं इंडियाज़ मोस्ट वॉन्टेड मूवी, यानी कि अर्जुन कपूर की मूवी। तो व्यूअर्स, इस मूवी का अब तक का डे 4 का कलेक्शन आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली सबसे पहले अगर बात कर लीजिए इस मूवी के रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी का रिलीज़ डेट 14 मई को है, जबकि इस मूवी का बजट 37 करोड़ का है। अगर बात कर लीजिए इस मूवी के टोटल बजट की, तो इसमें 27 करोड़ इस मूवी की प्रोडक्शन कॉस्ट है, जबकि 10 करोड़ इस मूवी की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है। व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इस मूवी के कलेक्शन की, तो डे 1 में इस मूवी ने इंडिया में 2 करोड़ कलेक्शन किया, जबकि डे 2 में 2.35 करोड़, डे 3 2.45 करोड़, जबकि चौथे दिन इस मूवी ने 1.15 करोड़ किया। यानी कि व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इस मूवी के टोटल कलेक्शन, तो इस मूवी का कलेक्शन बहुत ही सुस्त रहा। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए इस मूवी ओवरसीज़ कलेक्शन की, तो इस मूवी का टोटल ओवरसीज़ का कलेक्शन 1.63। फिर से अगर बात करें इस मूवी के रिव्यू की, तो पब्लिक ने इस मूवी को बहुत ही गंदा रिव्यू दिया, यानी पब्लिक को ये मूवी कतई पसंद नहीं आई है। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए अपने सलमान भाई की मूवी भारत की, तो उसका गाना गाना चाहूँगा, अजा डूब जाऊँ तेरी आँखों के ओशन में स्लो मोशन में। तो व्यूअर्स, देखना मत भूलिएगा भारत का कलेक्शन हमारे चैनल पर। व्यूअर्स, ये मूवी वैसे भारत की अगर रिलीज डेट की बात करें, ये मूवी रिलीज डेट इसकी 5 जून की है। तो व्यूअर्स, देखना मत भूलेगा इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन व चैनल पर। सब्सक्राइब, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है ना, उस पर क्लिक करो। कहानी खत्म, खल्लास।